गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, बट दोज थिंग्स लेफ्ट बाय दोज हु हसल। अच्छी चीज़ें सिर्फ उसी के पास आती हैं जो इंतज़ार करते हैं, वरना यही चीज़ें उन लोगों के द्वारा छोड़ दी जाती हैं जो उधम करते हैं। हे दिस इज़ नेहा अगेन, आई केम बैक विद अ न्यू टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोटिवेशन का एक्चुअल मीनिंग है क्या है, व्हाट इज़ मोटिवेशन। एंड सेकेंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हम सच में दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं या नहीं। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, व्हाट इज़ मोटिवेशन। सो मोटिवेशन इज़ अ ड्राइविंग फोर्स इन आर लाइफ। मोटिवेशन एक फोर्स की तरह हमारी लाइफ में काम करता है, जो हमें बताता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और क्यों जाना है। अब दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, मोटिवेशन इज़ मोटिव फॉर एक्शन, कि हमारे अंदर कितनी प्रेरणा है किसी एक्शन को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए। अब इसी बात में सेकंड क्वेश्चन बनता है कि हम मोटिवेशन कहाँ से लाएं, मोटिवेशन आएगा कहाँ से। तो मोटिवेशन आता है हमारे खुद के डिज़ायर से। जितने ज़्यादा हमारे डिज़ायर्स स्ट्रांग होते हैं, डिज़ायर्स मतलब हमारे सपने, जो हमने गोल देखा है कि हाँ हमें लाइफ में बिजनेसमैन बनना है, मिलियनर बनना है या बिलियनियर बनना है, ये होते हैं हमारे डिज़ायर्स। तो जितने ज़्यादा हमारे डिज़ायर्स स्ट्रांग होते हैं, उतना ज़्यादा हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, क्योंकि बिना सक्सेस के लाइफ में कोई इंजॉयबल मोमेंट नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, देयर इज़ ओनली सफोकेशन। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ एक्साइटमेंट वाली हो, खुद को मोटिवेट रखिए, जिससे आप अपने डिज़ायर को जल्दी अचीव कर पाओ। सक्सेस होने के तरीके हर किसी को पता है। आज आप किसी रिक्शे वाले, किसी चाय वाले से जाकर पूछोगे कि मुझे सक्सेस होना है, आप मुझे बताइए कि मैं कैसे सक्सेस हो सकता हूँ, तो वो आपको 100 तरीके बताएगा सक्सेस होने के। लेकिन अगर आप उनसे ये पूछोगे कि आप अभी तक सक्सेस क्यों नहीं हुए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। अब क्वेश्चन बनता है यहीं से कि क्या हम सच में दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं या नहीं। द आंसर इज़ एब्सोल्युटली नॉट। हम किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। हाँ, हम दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं, जिससे वो खुद को मोटिवेट रखें, क्योंकि मोटिवेशन एक एक्शन है जिसे ना ही मैं प्ले कर सकती हूँ किसी के लिए, ना ही कोई और प्ले कर सकता है मेरे लिए। अब क्वेश्चन ये है कि इंस्पिरेशन क्या है। इंस्पिरेशन एक थिंकिंग है। जब ये थिंकिंग चेंज होना स्टार्ट होती है, तो ये हमारे बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करती है। अब बात ये आती है कि लोग डीमोटिवेट क्यों होते हैं, व्हाई डू पीपल गेट डीमोटिवेट। सो द मोस्ट पावरफुल मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन आर बिलीफ सिस्टम। हमारे बिलीफ सिस्टम से हमें मोटिवेशन मिलता है। इस बिलीफ सिस्टम को किसी एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमारा खुद पर बिलीव होना ज़रूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। जब हम लाइफ में हमारे बिहेवियर की, हमारे एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारा जो एटीट्यूड है हमारी लाइफ को लेके, वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि मोटिवेशन का क्या मतलब है, क्या हम दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं या नहीं, और हम डीमोटिवेट क्यों होते हैं। आपको दो बातें याद रखनी है अपनी लाइफ में। फर्स्ट, ऐसी क्या प्रॉब्लम है आपकी प्रेजेंट में जो आप नहीं चाहते कि वो प्रॉब्लम आपके फ्यूचर में भी हो। सेकंड, आपको उन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना जिनके बारे में हमसे बोला जाता है किसी काम को करने से पहले कि अगर ये काम ऐसे किया तो ये चार लोग क्या बोलेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि मोटिवेशन हमारी लाइफ में वर्क कैसे करता है। तब तक के लिए बाय, सिया, टेक केयर।